इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आखिरकार संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। करीब 11 दिनों तक दोनों देशों में चले खूनी खेल के बाद सीज फायर की घोषणा पूरी दुनिया के लिए एक राहत की बात है, क्योंकि इस लड़ाई के विश्व युद्ध में बदलने की आशंका लगातार तेज होती जा रही थी। इजराइल पर हमले रोकने के लिए लगातार दबाव बढ़ रहा था, यहाँ तक कि उसके सबसे घनिष्ठ सहयोगी अमेरिका ने भी हमास पर हमलों तक रोक लगाने की अपील की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघर्ष विराम की घोषणा से एक दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू से बात की थी और उन्हें युद्ध बंद करने को कहा था। हालांकि शुरुआत में इजराइल ने अमेरिकी अपील को नकारते हुए लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक ले जाने की बात कही थी, लेकिन अब वो इसके लिए तैयार हो गया है। बात भारत की करें तो इजराइल को लेकर मोदी सरकार की नीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक बुलाई गई, इसमें कई देशों ने हिस्सा लिया। बैठक में भारत ने भी मध्य पूर्व में हिंसा खत्म करने और शांति बहाल किए जाने की वकालत की। भारत हमेशा से फिलिस्तीन के लिए एक अलग राष्ट्र और पूर्वी यरूशलम को उसकी राजधानी बनाए जाने का पक्षधर रहा है, मगर भारत ने इस बार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मसले को सुलझाने के लिए दो राष्ट्र समाधान का जिक्र नहीं किया। इस दौरान भारत ने रेखांकित किया कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वार्ता बहाल करने में सहायक माहौल तैयार करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। भारत ने जोर देकर कहा कि क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता कायम करने के लिए अर्थपूर्ण वार्ता का दौर लंबा चल सकता है। भारत के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत एवं स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा, हम लगातार जोर दे रहे हैं कि तत्काल तनाव को कम करना इस वक्त की जरूरत है, ताकि हिंसा की कड़ी को तोड़ा जा सके। हम आह्वान करते हैं कि तनाव को बढ़ाने वाले किसी भी कदम से बचना चाहिए। इसके साथ ही एक तरफा तरीके से यथास्थिति बदलने की कोशिश से भी बचना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कन बोचकिन ने पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा के लिए गुरुवार को ये बैठक बुलाई थी और पिछले साल शुरू हुई महामारी के बाद पहली बार दर्जनों देशों के विदेश मंत्री आमने सामने बैठकर इस बहस में शामिल हुए। तिरुपति ने बहस में बोलते हुए कूटनीतिक प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पहल के बावजूद क्षेत्र में हिंसा जारी रखने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, हम गाजा से इसराइल पे दागे जा रहे रॉकेट की निंदा करते हैं, जिससे कई आम नागरिकों की मौत हुई है। दुर्भाग्य से भारत ने भी अपना एक नागरिक इस रॉकेट हमले में, यानी भारत की रहने वाली नर्स सौम्या संतोष को खोया है। तिरुमूर्ति ने कहा कि गाजा पर जवाबी हमले में भी कई मौतें एवं विध्वंस हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंसा की मौजूदा कड़ी में हम भारतीय नागरिक सहित निर्दोष लोगों की जान जाने से दुखी हैं। हम एक बार फिर उकसावे, हिंसा और विध्वंस की सभी कार्रवाई की निंदा करते हैं। भारत ने जोर देकर कहा कि हाल ही की घटनाओं ने एक बार फिर से तत्काल इसराइल और फिलिस्तीन के बीच संवाद को बहाल करने की जरूरत को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच सीधी वार्ता बहाल करने में सहायक माहौल तैयार करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। बहरहाल इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के हमें जरूर बताएं। साथ ही में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ, आप फिट तो सब हिट।